हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे। तो मैं हूँ मनीषा और स्वागत है आपका मेरे इकलौते यूट्यूब चैनल मेक अप विद मनीषा में। तो मैंने अपना यूट्यूब जर्नी अभी स्टार्ट ही किया है, तो आप सब व्यूवर्स का मेरा तहे दिल से शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आप इस लुक को राखी, घर के किसी फंक्शन या अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाली है उस पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेकअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एवोकाडो, गुड वाइब्स का है एवोकाडो टोनर, जो मैं अपने फेस को सबसे पहले प्रिप करती हूँ हाइड्रेट करके, स्किन को हाइड्रेशन करती हूँ। इसको यूज़ करने से मेरे ओपन पोर्स है थोड़े मिनिमाइज़ हो जाते हैं, इसके अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, इसको अपने फेस पे अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। मेकअप करने से पहले फेस स्किन को मेकअप के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम, इससे मेरे फेस मॉइस्चराइज हो जाते हैं। अगर आप फेस को मॉइस्चराइज नहीं करिएगा तो आपका फाउंडेशन चिपक जाएगा, केकी लगेगा, पैची हो जाएगा आपका मेकअप, आपका मेकअप स्मूथ नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी मॉइस्चराइज़र आप इसके जगह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो कोई भी आप अफोर्डेबल रेंज का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। वैसे इस मेकअप लुक को जो मैंने जो भी क्रिएट किया है सारे प्रोडक्ट मेरे अफोर्डेबल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, इसीलिए बिगिनर्स इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिप मॉइस्चराइज करने के लिए वैजलिन यूज़ कर रही हूँ, वैजलिन पेट्रोलियम जेली। यहाँ पे मैं कोई लिप बाम यूज़ नहीं कर रही, लिप बाम की जगह पे ही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ वैजलिन का। अब मैं हिलेरी रोड्डा का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये अफोर्डेबल रेंज में, कम रेंज में अच्छा प्राइमर है, मैं इसे बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ। इसको अपने अपने फेस पर लगा के और ऐसे हाथ से थोड़ा बहुत इसको स्मूथली ब्लेंड करना है, इसको रब करके यूज़ मत करिएगा, इसे सिर्फ ऐसे फैला देना है। आप इसको दबा के भी इसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं, इसको स्मूथ रखना है, ये आपके फेस को स्मूथ बनाता है ताकि आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस ब्लेंड हो जाए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लैक आई शैडो है, मैं अपने आईब्रो को फील करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप सबको अच्छे से पूरा जितना मैंने काम किया है वो दिख सके। मैं एडिट कर देती हूँ, कट कर देती हूँ तो आपको पता नहीं चलता, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है कि मैंने कैसे यूज़ किया है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, ज़्यादा वीडियो आप लंबा आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसको फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। मैंने अपने आईब्रो को फिल करके इसके बाद इसको कंसीलर से डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं NYWA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये भी अफोर्डेबल रेंज का है, ये भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैंने अपने पूरे लुक क्रिएट करने में जो जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ भी देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को आई पे और आई के ऊपर जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसको। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर दूँगी। अच्छे से सेट करने के बाद इसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फिटमी का कॉम्पैक्ट मैट प्लस पोरलेस पाउडर है। इसको कंसीलर को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसको अपने क्रीज एरिया पे लगाऊंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। आप कोई भी आई शेडो पिक करते हो, कोई भी आई मेकअप करते हो, तो सबसे पहले आप अपने क्रीज को डिफाइन करो, उसके बाद आई मेकअप करना, आपका आई मेकअप अच्छे से उभर के आएगा। यहाँ पे मैंने जो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है वो भी हिलेरी रोडा का है, जो काफ़ी अफोर्डेबल है, आप भी परचेज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ ग्रीन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा सीमरी शेड है इसीलिए मैं फिंगर से यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं जहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वहीं पे जाके सेट हो जा रहा है, ये ज़्यादा ब्लेंडेबल नहीं है, काफ़ी ब्लेंड नहीं होता है। इसको मैं अपनी फिंगर से लगा के तब एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। पहले मैंने ये बीच में सेंटर में ग्रीन सीमरी आई शेडो पिक किया है, उसके बाद उसी आई शेडो पैलेट से ये गोल्ड कलर लेके, गोल्ड आई शेडो लेके इसको इनर एंड आउटर कॉर्नर दोनों पे अप्लाई करूँगी। आप जितना अच्छा से आई शेडो को ब्लेंड करके मेकअप करिएगा उतना अच्छा आपका आई मेकअप लगेगा। मैं अपने ये हर वीडियो में बताती हूँ कि आई शेडो आई मेकअप में इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह
आई मेकअप में आई शेडो को ब्लेंडिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे फेस का मेकअप में ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह आई मेकअप में भी आई शेडो को ब्लेंड करना अच्छा होता है। जब तक आप इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करिएगा, आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने यहाँ भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको पूरा काम दिखे मैंने कैसे किया है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, फिर इसको एडिट करना होता है, उसके बाद अपलोड करना होता है। मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, फेसेस कनाडा का है, ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है। यहाँ पे मैं विंग क्रिएट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बस एज अ नॉर्मल आईलाइनर जैसे लगाते हैं वैसे लगा रही हूँ। ज़्यादा लंबा विंग नहीं खींच रही हूँ, अगर आप चाहें तो विंग क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे विंग क्रिएट नहीं किया है क्योंकि मैं आज आईलैस फेक आईलैसेस यूज़ कर रही हूँ। तो आईलैसेस एक ऐसे ही हेवी लुक क्रिएट दे देता है, तो मैं ज़्यादा हेवी लुक मैंने इसको मीडियम में रखा है ताकि आप घर के किसी फंक्शन में भी क्रिएट कर सको। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उस पर क्रिएट कर सको, अदर आप किसी भी पार्टी में इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप इस लुक को साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, इसको अनमैरिड और मैरिड दोनों को यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, फेसेस कनाडा का ब्लैक काजल है। उसके बाद मैं आई लैसेस यूज़ कर रही हूँ, ग्लू लगा के, और इसको अच्छे से थोड़ा सा सूखने दीजिए आई लैसेस को, कम से कम आधा मिनट तक, 30 सेकेंड तक इसको सूखने दीजिए। उसके बाद इसको आप अपने आई लीड पे रखिएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बट मेरा आई लैसेस आज बहुत ड्रामा कर रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आज मुझे सेट करने में। इसको काफ़ी टाइम लगा आज लैसेस को लगाने में, ये बैठ ही नहीं रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम ले लिया मेरा ये सेट होने में, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कर लिया फाइनली आई लैसेस सेट करने के बाद, इसको के कॉर्नर पे टिप्पे नहीं होता रहता है तो मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर लेती हूँ, इसको वापस से मस्कड़ा कर देती हूँ ताकि मेरा ओरिजिनल आई लैस और ये फेक आई लैसेस दोनों मर्ज हो जाए, इवन लुक दे। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फिटमी का, मैबेलिन फिटमी फाउंडेशन। इसको पहले मैं फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेती हूँ। फाउंडेशन को भी अच्छा से ब्लेंड करिएगा अपने फेस पे। ये मैं ब्लेंड करने में, अपना बेस तैयार करने में थोड़ा टाइम लेती हूँ, इसको अच्छे से टाइम देती हूँ। जितना अच्छा से टाइम देती हूँ मेरा मेकअप उतना फ्लॉलेस लगता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का कंसीलर है, कंसीलर को भी अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर देती हूँ। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर से ही टैप टैप करके आप अपने कंसीलर और फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की का ट्रांसलूसेंट पाउडर, इसको मैं अपने आईज़ के नीचे बेक कर रही हूँ ताकि मेरा जो कंसीलर और फाउंडेशन था वो अच्छे से सेट हो जाए। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया था वहाँ वहाँ इस पाउडर को यूज़ कर रही हूँ, जहाँ भी हाइलाइट्स एरिया होते हैं, फोरहेड, नोज, चिन, आई लिड के नीचे। उसके बाद मैं कंट्यूर करूँगी अपने फेस को। यहाँ पे कंट्यूर करने के लिए मैं ब्राउन सिमरी आई शैडो ली थी, आई शैडो ही है ये, कंट्यूरिंग नहीं है, कंट्यूर स्टिक नहीं है, आई शैडो से ही मैं कंट्यूर कर रही हूँ। ट्रिक है, आप आई शैडो से भी कंट्यूर कर सकते हैं अपने फेस को। ये थोड़ा मेरे फेस के साथ काफ़ी डार्क जा रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत डार्क हो गया है, तो इसको मैनेज करने के लिए ट्रिक है। आप जो पाउडर यूज़ करते हैं, सेटिंग पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, ट्रांसलूसेंट पाउडर हो, उसी पाउडर को आप इसके ऊपर से अप्लाई कर दीजिए। जो मैंने पाउडर अप्लाई किया था उसको मैं अपने फेस से डस्ट आउट कर दिया है, और वही ट्रांसलूसेंट पाउडर जो मैं ट्रिक बताई वही मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ। उसको थोड़ा लाइट करने के लिए, काफ़ी डार्क जा रहा था।
वैसे आप हाइलाइटर जब यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा लाइट हो जाता है। हाइलाइटर आपके ब्लश हो या कंट्यूर हो, उस पर थोड़ा सा अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो ये थोड़ा लाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। लाइट डार्क से लाइट थोड़ा हो ही जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क है चलेगा, हाईलाइट यूज़ करने के बाद मेंटेन हो जाएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो, एकदम डार्क ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन है, उसी आई शेडो से पूरे फेस को कंट्यूर कर रही हूँ। यहाँ भी मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप पूरा काम देख सकें कैसे कैसे मैं करती हूँ। पूरे फेस को, फोरहेड को, चीन सारे मैंने कंट्यूर कर लिए हैं। वीडियो से रिलेटेड आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मैं सारे के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोज़ कंट्यूरिंग कर रही हूँ, मेरा नोज़ कंट्यूरी लायक है, मैं इसको कंट्यूर करती हूँ। अब मैं हाईलाइट ले रही हूँ, ये ग्लैम का है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने चिक्स बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटिंग करने के बाद फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है। आप फेस हाईलाइट करोगे तो फील करोगे कि आपका पूरा मेकअप लुक ना खिल जाता है। तो हाईलाइटर यूज़ करने का बड़ा फ़ायदा है, फेस पूरा ग्लोई बना देता है। उसके बाद मैं नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ टिप पे अप्लाई कर रही हूँ, फिर इसको मैं अपने फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, चिक्स पे, सारे जगह जहाँ जहाँ हाईलाइट पॉइंट है मैं वहाँ पर अप्लाई करती हूँ। इनर कॉर्नर, आईज़ का इनर कॉर्नर, यहाँ पे अगर आप हाईलाइट यूज़ करते हो तो आपका आई मेकअप बड़ा अच्छा लगता है, कंप्लीट लगेगा, यू नो, बोल्ड आई लगेगा। इसके बाद ब्रो बोन को भी हाईलाइट करती हूँ, यहाँ पे करने पे उभरा हुआ दिखता है, अच्छा लगेगा आपका आई मेकअप। अगर आप ऐसे हाईलाइट करते हो तो परफेक्ट गारंटी है कि आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा रहता है एब्जॉर्ब करके ब्लेंड में एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। अगर आप स्प्रे करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे करोगे ना तो आपका मेकअप ना एकदम सेट हो जाएगा, 10-12 घंटे तक नहीं खसकने वाला इधर से उधर। अच्छा अगर मेकअप करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा। मैं यहाँ पर लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ ADS का न्यूड कलर है, मैरून सेड में है लिपिट, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बिंदी लगा रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, मैं बस छोटा सा बिंदी लगाई हूँ क्योंकि मैं ये क्रिएट करूँगी अपने राखी पे, तो मैं यहाँ पे छोटा सा बिंदी लगाई हूँ। और यहाँ पे ये मैं ड्रेस के साथ मैचिंग मेरे पास जो ईयरिंग था वो ग्रीन कलर का ईयरिंग पहन रही हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आप इसके साथ हेयर स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं किया है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं उसके साथ भी क्रिएट करिए, ड्रेस पहन रहे हैं उसके साथ भी हेयर स्टाइल आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे मेहनत को अप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।